रिकॉर्ड 20 उपग्रहों के एक साथ प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। पीएसएलवी C-34 का श्रीहरिकोटा से आज होगा प्रक्षेपण। इन 20 उपग्रहों में भारत के नवीनतम भू सर्वेक्षण कार्टोसेट 2 श्रृंखला के उपग्रह के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और इंडोनेशिया के उपग्रह भी है शामिल। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयुष मंत्रालय द्वारा योगा फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड विषय पर आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 32 देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत समेत विश्वभर में मनाया गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने की योग दिवस पर देश की अगुवाई। पीएम मोदी के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने योग में लिया हिस्सा। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मुन ने दुनिया भर में लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर दिया जोर। कहा, जाति, धर्म, आयु, लिंग भेद से ऊपर उठकर एकता का लें संकल्प। नई दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें दूरसंचार मंत्रालय के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इनमें आगामी स्पेक्ट्रम की नीलामी से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मंत्रियों के समूह की होगी पहली बैठक आज। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी शामिल। राजनीतिक दलों को सूचना के कानून के अंतर्गत लाने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के आदेश को खारिज करने की कांग्रेस ने की मांग। इस फैसले को अवैध बताते हुए कहा कि CIC इस तरह के फैसले के लिए मान्य नहीं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की भारत की सदस्यता को लेकर उम्मीदें बढ़ी। अब तक राह में रुकावट बने चीन के रूख में आया अहम बदलाव। का NSG की सदस्यता को लेकर सभी विकल्प खुले। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वैपकॉस लिमिटेड के अधिकारियों को करेंगी सम्मानित। वैपकॉस एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध के निर्माण में शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से संबंधित स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी किया नोटिस। कंपनी को जवाब देने के लिए 24 जून तक का दिया वक्त। बारिश ने फिर थामी मुंबई की रफ्तार। जल भराव और तकनीकी खामियों के चलते लोकल ट्रेन की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित। विरोध में ट्रैक पर उतरे मुंबईवासी। मशक्कत के बाद सुधरे हालात। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा के एक शीर्ष कमांडर अबू काश उर्फ हंजुल्ला गिरफ्तार। अन्य आतंकियों को पकड़ने का अभियान जारी। कांग्रेस के बागी नेता अजीत जोगी ने नई पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी की औपचारिक घोषणा की। अजीत जोगी ने अपने गढ़ मरवाही में एक संकल्प शिविर के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से सटे एक शहर में हुए धमाके में 25 लोगों की मौत। स्थानीय नागरिकों और कुछ हथियारबंद लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष के बाद हुआ विस्फोट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में चल रहे 3 दिवसीय T20 सीरीज का आज अंतिम मैच। सीरीज में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर। मनोज कुमार और सुमित सांगवान अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ विश्व क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब ये दोनों मुक्केबाज रियो ओलंपिक में जगह बनाने से सिर्फ एक जीत है दूर।